हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मकर संक्रांति का पर्व आ चुका है। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी के घर में खुशियाँ हैं। अपना स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो मकर संक्रांति को कैसे मनाना है, कब मनाना है और इसमें क्या क्या दान करना है, कैसे करना है, कौन सी 14 चीज़ें हैं जो हम दान कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कॉपी पेंसिल आप ले लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कब करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो मकर संक्रांति हम लोग अब तक मनाते आ रहे थे, 14 जनवरी को मनाते थे, लेकिन इस वर्ष जो हम 2024 में जो मकर संक्रांति है वो आपकी 15 तारीख को मनाएंगे। तो 15 तारीख का जो समय है वो आप नोट कर लीजिए। कितने बजे से स्टार्ट होगा? 7:15 से पुण्य काल शुरू हो जाएगा और शाम 5:46 को समाप्त होगा। तो 7:15 से 9 बजे तक का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ आपका पीरियड है, उसमें अगर आप दान और स्नान वगैरह कर लेते हैं तो अति महत्व उसका आपको जो फल मिलेगा वो 100 गुना मिलेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। शाम 7:15 से 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त है, तो इस समय हम आपको स्नान वगैरह हम लोगों को कर लेना है। और ये कब तक? 5:46 को ये शाम को समय समाप्त होगा। तो ठीक है, जो अगर उस 1 घंटे के अंतराल में कोई पीरियड में अगर आप स्नान वगैरह कर लेते हैं वो भी ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो 5:46 तक शाम को कर लीजिए अपना, ठीक है। और क्या क्या दान करना है वो हम आपको बता देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दान करनी है, कैसे करना है, तो वो आप नोट कर लीजिए। पहले सबको बता देते हैं, जो जितनी हमारी बहनें हैं, बहनों के लिए सबसे बढ़िया है कि कोशिश करो कि उनके लिए जो दान अगर आप कर सकते हो कुछ भी तो लिख लीजिए। आप सूखा नारियल आप दान कर सकते हैं, 1400 के नारियल ले लो, किसी में बांट दीजिए। आप किसी भी गरीब में मंदिर के बाहर जाके कहीं भी जाके उन्हें बांट सकते हैं। आप सुहाग की पिटारी ले सकते हैं, 14 सुहाग की पिटारी ले लीजिए। हमारी बहनें हैं जितनी भी रोड पे बैठी हैं बेचारी, जो भी आप जिन्हें दे सकते हैं, जिनके लिए अपना आप दान वगैरह कर सकते हैं कुछ भी, उन्हें दे सकते हैं। आपकी चूड़ी ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, मेहंदी ले सकते हैं और बर्तन भी ले सकते हैं। बर्तन में आपका लोटा दे दीजिए, 14 लोटे ले लीजिए, 14 गिलास ले लीजिए, स्टील के बर्तन ले लें, पीतल के बर्तन ले लें, कोई सारी चीज़ सही है, सब अपना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंबल ले सकते हैं आप चाहें तो कपड़े के रूप में, और अपना रुमाल भी ले सकते हैं, टावल ले सकते हैं। ये इनके साथ साथ अब आपको क्या करना है, आपको काला तिल ज़रूर दान करना है। ये कोशिश करें कि काले तिल का दान आपको ज़रूर करना है। तो उसका आप एक थोड़ा छोटा सा एक पैकेट बना सकते हैं, काले तिल ले लें, उड़द की दाल ले लें, नमक ले लें, घी ले लें, तो ये गुड़ ले लें, ये ज़रूर दान करें। इन सब के साथ साथ ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं दान। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अपना सुबह जैसे आप सुबह अपना नहा धो के उठने के बाद अपना स्नान कर लें, स्नान करने के बाद एक उसमें अपना थोड़े से चावल रख सकते हैं, उड़द की दाल रख सकते हैं, उसमें नमक भी रख सकते हैं, और उसमें अपना जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनमें सबका हाथ लगा लें और सुबह जो भी अपना आता है आपके घर पर उसे आप दान कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका दान करने का। दूसरा तरीका आपका ये है कि 14 चीज़ें आप अगर दान कर देते हैं, कि संकल्प लेते हैं, किसी भी आपको संकल्प लेकर अगर आपको दान करना है कि हमें 14 चीज़ें दान कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी 14 चीज़ ले सकते हैं जिसका आप दान कर सकते हैं, जो अपनी खुशी से आप दान कर सकते हैं। और लेकिन कोशिश ये करनी, इस समय एक और महत्व होता है हमारे पितृ देवताओं के लिए भी, ये जो आपका ये वर्ष मतलब समय होता है बड़ा ही शुभ होता है। इस दिन अगर हम अपने पितरों को भी खुश करना चाहते हैं तो कहीं भी मंदिर के बाहर भंडारा लगा सकते हैं, कुछ भी दान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दान देना बड़ा ही शुभ होता है। तो दान देने से क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको फल जो है उसका 100 गुना मिलता है। कहते हैं ना, आपने आपने सुना होगा, उसमें लिखा हुआ है आपके जब कर्ण की मृत्यु हो गई, कर्ण जब ऊपर गए स्वर्ग लोक में गए, तो वहाँ उन्हें जब खाने को दिया गया कुछ भी, तो सोना ही सोना दिया गया। तो सोना जब सोना दिया गया खाने को, सोने का नंबर आया, तो जब भी उन्हें सोने का बिस्तर दिया गया, मतलब जो भी चीज़ दी गई वो सोने की दी गई। तो जब सोने की चीज़ें दी गई तो उन्होंने पूछा, भाई मुझे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बोले, जो भी तुमने दान कराया आज तक वो दान सिर्फ सोने का करा है, तो सोना ही तो मिलेगा आपको। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जीवन में कि अपना, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है, भागवत के लिखे अनुसार हम आपको बता रहे हैं, तो भागवत में लिखा हुआ है जब भी आप दान करो कोशिश करो आपका खाने का दान कर लो, इसका पीने का दान कर दो, जो भी अपना जैसे देखा आपने प्याऊ वगैरह लगा देते हैं, शरबत वगैरह बांट देते हैं, तो जल वगैरह लगा देते हैं, आपका कपड़े का दान कर देते हैं, अन्न दान कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे महत्व हैं कि अलग अलग दान आप कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए
कि आपको कहीं ना कहीं भंडारा लगा के कुछ लगा के किसी भी तरीके से जो दान आप कर सकते हैं वो दान कोशिश करनी है कि आप हम बांट दें। तो इस दिन और भी ज़्यादा महत्व होता है कि जो आपका मकर संक्रांति के दिन जो भी जो दान होता है उस दान का जो आपको फल मिलता है वो 100 गुना फल मिलता है आपको। और दान के अलावा आपको 100 दिन मतलब 100 दान से ऊपर दान है ये अपने आप में। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन हम जो भी अगर दान कर सकते हैं तो करें। और बस इतना ही आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और इससे ज़्यादा वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो मेन खेल क्या है, जब आपके सूर्य भगवान आपके मकर संक्रांति मकर उसमें प्रवेश मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी को आप मनाते हैं, इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। और इस पर्व का महत्व का यही है कि अपना दान करें, कोशिश करें, स्नान करें। त्रिवेणी में जा सकते हैं तो त्रिवेणी में जाके स्नान कर लें और गंगा स्नान कर सकते हैं तो गंगा स्नान कर लें। कोशिश करें किसी भी तरीके से हम स्नान वगैरह कर लें, दान वगैरह कर लें। बस यही है इसमें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और अपना खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खा सकते हैं और भी अच्छी बात है, खिला सकते हैं और अच्छी बात है। तो बस आज की वीडियो को हम एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।